हाय व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से टेक्निकल रूबेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीख रहे हैं द वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल हिंदी में और फ्री में। जहां पर हम लोग आज पहुंचे हैं HRBR टेक्स पर HTML 5 में। सो चलिए जानते हैं HRBR टेक्स क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूँ, मैंने एक गेमिंग के लिए रिलेटेड प्लेलिस्ट शुरू किया, जहाँ पर डेली तो नहीं डाल पाऊँगा लेकिन जब जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक एक गेम का उसका एक गेम प्ले अपलोड करूँगा। ओके सो आज मैंने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है गेम के ऊपर, बाय द गैंगस्टर। आपने नहीं देखा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इजिली देख सकते हैं, इंजॉय करिए गेम को। सो चलिए शुरू करते हैं दोनों से नहीं टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कल तक हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ तक किया था, हमने सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टेक्स बनाए थे हमने। ओके सो वो नहीं देखा था आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और यह था उसका आउटपुट। मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये है उसका आउटपुट। ओके सो अब हमको सीखने HRBR टेक्स क्या है, तो उससे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। ओके सो अब हम जानने वाले हैं कि HRBR होता क्या है। तो HRBR को वो एक मैंने आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव टैग्स है जो शुरू तो होते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते, तो उनमें ये दोनों टैग का ये दोनों टैग उनमें आते हैं। सो ये दोनों टैग शुरू तो होंगे बट ख़त्म नहीं होंगे। ओके सो सबसे पहले तो जैसे कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर में कोई भी एक वर्ड या फिर कोई भी एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, सो यहाँ पर उसके लिए मैं एक टैग का यूज़ करूँगा जिसका नाम मैं रखता हूँ आई टैग। ओके आई टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस। ओके ओके और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं यू टैग का यूज़ करते हैं हम लोग एंटर, और यहाँ पर फिर से इसे पेस्ट करते हैं। ओके सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया था, सर मैंने मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं बोल्ड टैग यानी कि बी टैग, एंटर एंड पेस्ट। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए डेल्टा DEL। ओके ये टैग का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ओके सो अब हम देखते हैं, सो कंट्रोल आर, और आप देख सकते हैं कि पहला टैग, ये दूसरा टैग, ये तीसरा टैग, ये चौथा टैग, ये चारों के चारों टैग है वो लाइन में आ रहे हैं, उसमें बीच में स्पेस नहीं डली या फिर वो एंटर यानी कि नीचे नहीं आए हैं। सो इसके लिए जो टैग का यूज़ होता है वो टैग का नाम है BR टैग, यानी कि वो इनकी लाइन को है ना वो ब्रेक कर देता है, ये जो लाइन है वो ब्रेक कर देता है, और ये सारे के सारे टेक इसके ये जो इटैलिक में टेक्निकल ग्रुप लिखा है उसके नीचे आ जाएगा। ओके सो ये जो आई टैग है उसमें उसके साथ आपको यहाँ पर लिख लेना है BR, जो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ BR टैग, ये देखो एंटर किया और ये BR टैग लग चुका है, ये शुरू होता है बट ये ख़त्म नहीं होगा यानी कि इसमें स्लैश BR नहीं आएगा, सिर्फ BR आएगा। ओके सो हम इसे सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे, रिफ्रेश करूँगा सो आप लोग देख सकते हैं ये इटैलिक वाला अकेला रह गया और उसके नीचे बाकी के तीनों टैग आ चुके हैं। सो इसी तरह से हम लोग सभी में टैग लगाएंगे BR का, तो फिर आप देखना उसके बाद हम लोग BR को टैग लगा देते हैं। ओके उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर भी हम वही यूज करने वाले हैं BR टैग एंटर, फिर उसके बाद हम फिर से यूज करते हैं BR टैग एंड इसको करते हैं सेव। उसके बाद आप रिफ्रेश करूँगा तो देखना सभी टैग लाइन में आ चुके हैं, नीचे 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 आ रहे हैं। ओके सो ये आपको जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तब आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला है BR और HR टैग। ओके सो ये था हमारा BR टैग, जिसकी मदद से हम जो लाइन में जो टैग यूज़ हो रहे हैं
जो लाइन में वर्ड आ रहा है उसको उसके बीच में हम लोग उसको नीचे ला सकते हैं, यानी कि एंटर दे सकते हैं उसमें। अगर आप लोग बी आर टेक के बिना आप करेंगे तो फिर भी आपको इसमें कुछ फर्क नहीं नजर आएगा। आर का मतलब, बी आर का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बी आर का फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन। ओके, ये लाइन को ब्रेक कर देता है और उसे नीचे ला देता है। ओके, एंटर प्रेस कर देता है। ओके, सब एच आर यानी कि हॉरिजॉन्टली रो, इसका फुल फॉर्म होता है एच आर का, एच आर। ओके, ये इसका नाम है हॉरिजॉन्टली रो, ये उसका फुल फॉर्म है। ये एच आर हमने इसमें किया, सो ये एक पर्टिकुलर लाइन क्रिएट कर देगा। ये टेक्निकल प्रोसेस जो आप लोग इटैलिक में देख रहे हैं और अंडरलाइन देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट कर देगा 100% की। ओके, सो इससे हम रिफ्रेश करते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं ये एक लाइन क्रिएट हो चुके हैं 100% की, ये दोनों टेक के बीच में। सब हम सभी में एच आर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आउटपुट देखते हैं कैसा मिलता है हमको। एच आर एंटर। ओके, फिर एक और पर एच आर एंटर, एंड यहाँ पर एच आर एंटर कंट्रोल एस। ओके, एंड यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक रो क्रिएट हो चुकी है, एक लाइन क्रिएट हो चुकी है सभी टेक्स्ट के बीच में, सभी वर्ड के बीच में या फिर सेंटेंस के बीच में। ओके, सो इसी तरह से आप बी आर टेक की मदद से सभी टेक वर्ड को या फिर सेंटेंस को आप लोग नीचे ला सकते हैं, और एच आर की मदद से आप लोग एक टेक के बीच में एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये इन दोनों का यूज है। ओके, सो आज हम लोग जो है ये एच आर एंड बी आर टेक, सो इससे हम नोट कर लेते हैं हमारे नोट पैड में। नोट पैड ओपन करते हैं, हमारा नोट पैड ओपन हो चुका है। फाइल को ओपन करते हैं कंट्रोल ओ, ये रही HTML नोट्स की हमारी फाइल। यहाँ पर हमने लास्ट में एच आर बी आर टेक, सो इसमें नंबर वन पर आता है नंबर वन, और यहाँ पर आता है एच आर। ओके, ये क्लोज नहीं होगा, सिर्फ ओपन रहेगा। ओके, नंबर टू पर जो आता है वो है बी आर। ओके, सो एच आर बी आर ये दोनों टैग है, इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव हो चुके। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से HTML का यूज़ करके हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब पेज पर। ओके, सो वीडियो रिलेटेड टेक्स हम लर्न करने वाले हैं, वीडियो रिलेटेड TAGS। ओके, सो ये हम लोग लर्न करने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो देखने ना बोले, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा वो वीडियो। ओके, सो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कॉमेंट बॉक्स में, लाइक करना वीडियो को, वीडियो को शेयर करना। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर देना, कर दिया है तो फिर धन्यवाद। एंड बेल आइकन दबा कर ऑल को प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।